10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होशियारपुर दौरे की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने प्रेस वार्ता करके दी। श्वेत मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी ही योग्य हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए 12 नाम प्रधानमंत्री के लिए सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सुनामी को रोकने के लिए गठबंधन किया जा रहा है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है। मलिक ने कहा कि 55 वर्षों में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार गोरख धंधा चला रखा था, राजनीति तो ऊपर उठ के, धर्म तो ऊपर उठ के, जाति तो ऊपर उठ के वोट पाने लिए तैयार ने, और सबनु ये पता है कि प्रधानमंत्री दे लई कोई योग्य उम्मीदवार ने तो नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्हां दे हत्थां च देश सुरक्षित है, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और लगभग 12 नां जिहड़े ने वो विपक्ष वालों प्रधानमंत्री दे आ रहे ने। पहले तो उन्होंने हाथ आपस में फड़ ले, जिहड़ी कांग्रेस ते उहदे सहयोगी दल सी, पाकिस्तान भी अजकल गठबंधन का हिस्सा है, वह भी नाल ही है इमरान खान इन्हां दे, तो इन्हों क्योंकि मोदी जी तो ही इन्हों कि किस तरह मोदी जी की सुनामी को रोकया जाए। मोदी जी की ईमानदारी, मोदी जी की कार्यकुशलता तो आतंकित हो के ये लोग केवल एक टीचा है इन्हों कि मोदी जी ना कि आ जाए, क्योंकि कारण की है कि मोदी जी ने इन्हों भ्रष्टाचार से इन्हों जो काले कारनामे से चोट की है, इन्हों का जो इन्होंने गोरख धंधा पिछले 55 साल तो फैलाया होया सी, वो अज इन्हों नज़र आ रहा है कि जेल के दरवाजे इन्हों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो जेल के पिछे जा चुके हैं, कुछ लोग जेल के पिछे जाने की तैयारी च ने, हूँ जोड़े ने उन्होंने एको ही आतंक है कि मोदी जी जे आ गए तो फिर इन्होंने सारे कर्मों का वो चौकीदार बन के हिसाब लेंगे और इन्हों जनता हिसाब देना पेगा। सो उत्तों आतंकित हो गए, अज इन्होंने गठबंधन बनाया, पहले एक दूजे के हाथ पाड़ ले, अज एक दूजे के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। आगरा के पिनाहट कस्बा स्थित सीएससी पिनाहट में सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती ने औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर भारती ने निरीक्षण के दौरान ब्लॉक अटाउंट मैनेजर द्वारा आशा बहनों और गर्भवती महिलाओं किए जाने भुगतान में अनियमितता पाई गई। इन कमियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को अगले आदेश तक वेतन रोक लिया गया है। निरीक्षण में मैंने सुधारात्मक निरीक्षण है मेरा ये, तो उसमें जो ब्लॉक अकाउंट मैनेजर है जो पेमेंट करने होते हैं आशाओं को, गर्भवती माताओं को पेमेंट करने होते हैं, तो उनके पेमेंट में काफ़ी कमियां मिली हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाया है और कार्य में रुचि भी नहीं लेती, इस क्रम में उस क्रम का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोका जाता है। इसके सीएमओ सर से संस्तुति की जाएगी। इसकी कोई अनुपस्थित वगैरह स्टाफ का कोई मिला जी? अनुपस्थित वगैरह कोई स्टाफ में? अनुपस्थित 3 ANM अनुपस्थित मिली हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिए। अच्छा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह? उनके खिलाफ उनका आज का वेतन रोका गया है, क्यों अनुपस्थित है इसका पूछा जा रहा है। पीने के पानी की समस्या से आगरा में सदियों से रही है। मुगल साम्राज्य में अभी तक पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया है। आगरा में पानी की समस्या दूर करने के लिए बुलंदशहर से गंगा जल भी पहुंच गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर वितरण की समस्या शुद्ध न होने की वजह से कई इलाके अभी भी प्यासे हैं। भीषण गर्मी में लोग पानी का इंतजार करते लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। आगरा के यमुना इलाके में करीब 1.5 दर्जन मोहल्ले पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। रामबाग, डेडी, बगीता, सीतानगर, कालिंदी, बिहार समेत कई इलाकों में पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन उसमें वाटर सप्लाई नहीं है। इन पाइपलाइनों में पानी सप्लाई करने का कोई और तरीका अभी तक खोज नहीं पाया गया है। यहाँ रोज समस्या पानी की है सबसे ज्यादा। सुबह का समय होता है बच्चों को स्कूल भेजने का, लेकिन उस समय ना हम टैंकर का इंतजार करते हैं कि पानी आ जाए पानी आ जाए। वहाँ पता चलता है कि सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई है, लेकिन टैंकर फिर भी नहीं आया। 24 घंटे के बाद एक बार टैंकर आता है, उस पर इतनी सारी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। और पानी की समस्या इतनी हो कि वो भी टैंकर वाले एक बाल्टी के 4 रुपए लगाते हैं, या फिर अगर एक टंकी पानी भरवाए तो उसे 50 से 60 रुपए चाहिए। यमुना पार क्षेत्र में ये अब से नहीं, 20 वर्ष से पानी की समस्या है। जब गर्मी आती है तो समस्या बढ़ती है, और अभी हम लोग प्रयास करेंगे गंगा जल आ जाए उसके बाद ये काफी समस्या का निपटारा भी हो जाएगा। और जल संस्थान के माध्यम से भी हम प्रतिदिन लगभग 40-50 टैंकर भिजवाते हैं जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता होती है। कई जगह कनेक्शन नहीं है, बहुत से पूरे क्षेत्र के अंदर 99% 98% लोगों के कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन भी हो जाए। और कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पानी की लाइन ही नहीं है, तो वहाँ लाइन भी पड़ जाए। इसमें अलग से हम लोगों ने एक एस्टिमेट बनवाया है, उसको हम लोग कराएंगे। कोकड़ा में जैसलमेर रोड से बारातियों से भरी एक स्वीप कार के अचानक संतुलन बिगड़ जाने से पलट गई, जिसमें उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रिफर किया गया है।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र ग्राम दुपी चौरा में लगातार हो रही कोयले की अवैध तस्करी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 100 टन कोयला जब्त किया है। जब्त कोयले की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आईजी सरगुजा केसी अग्रवाल के मार्गदर्शन पुलिस अधीक्षक बलरामपुर टीआर कोसीमा के निर्देश पर राजपुर और सूरजपुर जिले में पुलिस की टीम की मुखबिर की सूचना पर छापामारी कार्रवाई करते हुए 100 टन कोयला जब्त किया है। पुलिस ने 2 ईटा भट्टा को भी सील किया है।